कक्षा दूसरी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर 7 मेरी किताब यह पार्ट देखने वाले हैं। पार्ट नंबर 6 के बाद दो कविताएं हैं, काले मेघा पानी दे और सावन का गीत। यह सिर्फ हमें ये पढ़ने के लिए है, ये रीड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको पढ़ेंगे और इसके बाद हम मेरी किताब यह पाठ देखेंगे और आपको भी इसे घर में पढ़ना है। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, बरसो खूब जमा जम जम जम, नाचे गोवर छमा चम चम, खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगदानी दे काले मेघा पानी दे, भरते सारे ताल तलैया, गाय सब मिल चमक छैया, हमको नई कहानी दे सबको दाना पानी दे, पानी दे जिंदगानी दे काली मेघा पानी दे। तो बच्चों, ये सिर्फ आपको क्या करनी है, कविता गानी है, बोलनी है। और दूसरी कविता दी गई है सावन का गीत। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, जिसने समा जाए संसार, उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्ती का कोई न जिसका पारावार, एक पेड़ में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। ये कविताएं आपको सिर्फ पढ़ने के लिए है, वो आपको पढ़नी है। अब हम हमारा जो नया पाठ है मेरी किताब, यह पाठ में पढ़ना है। इस पाठ में बच्चों किताब है बुक, तो सभी को क्या होता है, बहुत सारे कोई ना कोई शौक रहते हैं। तो किसी को गाना पसंद है, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो और किसी को घूमना अच्छा लगता है। तो सबकी अलग अलग क्या है, पसंद है। किसी को कहानियां पढ़ना, किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है वहां से। और इन किताबों में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। किसी को बहुत सारी ये जो साहस कथाएं होती है, साहसी कथा, ये पढ़ने में दिलचस्पी रहती है। तो कोई कोई सिर्फ चित्रों वाली किताबें पढ़ता है, जिसमें चित्र रहते हैं, वो उन्हें देखने में मजा आता है और पढ़ने में भी आसानी होती है, इसलिए वे ऐसी किताब चुनते हैं। तो अलग अलग क्या रहती है, पसंद रहती है सबकी। तो कोई चित्रों वाली बुक पढ़ेगा, किताब पढ़ेगा, तो कोई बहुत ही अच्छी सी मतलब परियों की कहानी पढ़ेगा। तो इसी तरीके से ये जो किताबें हैं वो अलग अलग प्रकारों की रहती है। इस पार्ट में ही एक लड़की है और उसे क्या किताबें पढ़ना पसंद है, तो देखते हैं हम इस पार्ट में कि क्या है। पार्ट नंबर 7 मेरी किताब। माँ ने वीरू को संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें, वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही।
अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? तो यहाँ तक पहले हम देखते हैं कि ये वीरू कौन है। माँ ने वीरू को संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। एक लड़की है जिसका नाम है वीरू, तो उसकी माँ ने उसके मौसी के यहाँ भेजा था। मौसी किसे कहते हैं आप? अपनी माँ की बहन को, या माँ की दोस्त हो, सहेली हो, उसे भी हम मौसी कहते हैं। तो माँ ने क्या किया, वीरू को एक संदेश यानी कोई मैसेज देकर उसे बहन के यहाँ पर भेज दिया। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया, तो वीरू वो कुछ मैसेज लेकर अपनी मौसी के यहाँ आ पहुंची। उसके आने के बाद मौसी ने क्या किया, मौसी ने उसे अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक यानी बड़ा सा हॉल जिसमें आए हुए मेहमानों को बिठाया जाता है, या गेस्ट रूम, इसे हम गेस्ट रूम भी कह सकते हैं। तो वहां पर उसने क्या किया, वीरू को बिठाया, वहां वो ले गई। और क्या हुआ वहां पे, बैठक में कदम रखते ही, बैठक में आने के बाद ही उसने देखा, क्या देखा, बैठक में कदम रखते ही उसने जैसे ही पांव अंदर डाला उसने देखा और क्या हुआ, वीरू अचरज से ठिठक गई। अचरज होके आश्चर्य, अचरज आश्चर्य, ठिठकना चकित होकर रुकना। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, जैसे उसने कदम रखा वह थोड़ी सी ठहर गई, ठिठक गई, चकित हो गई और रुक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। उसने कुछ देखा, क्या देखा उसने, उसने एक बहुत बड़ी अलमारी देखी और उस अलमारी में क्या था, उस अलमारी में बहुत सारी किताबें थी। और ये किताबें देखने के बाद वीरू को अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ। और वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी दीवारें थी, बड़ी सी अलमारी थी, दो लंबी दीवारें खानों वाली, खानों यानी कब अलमारी में जो हम कपड़े रखते हैं, किताबें रखते हैं, तो उस रखने की जगह को खाना कहते हैं, ऐसे रैक होते हैं हमारे अलमारी में, ऐसे रैक रहते हैं, तो इसके अंदर हम कुछ चीजें रखते हैं, कपड़े रखते हैं, कभी कोई किताबें रखता है, तो उसे खाना कहते हैं। तो उस खाने में बहुत सारी किताबें थी, वह देखती रह गई, वह आखिर फाड़े देखती रही। आखिर फाड़ पर देखना आश्चर्य से देखना, क्योंकि उसने
अलमारी मतलब कपड़ों की अलमारी होती है, ये तो उसको पता था, लेकिन किताबों की इतनी बड़ी अलमारी उसने पहली बार देखी थी। इसलिए उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, इतनी सारी किताबें, इतनी सारी, बहुत सारी किताबें हम कहां पर देखते हैं? एक तो किताबों की दुकान में हम देख सकते हैं कि बहुत सारी उसमें किताबें रहती है, अलग अलग प्रकारों की, छोटी बड़ी मोटी लंबी चौड़ी, तो इस तरह अलग अलग प्रकार की ये किताबें हम किताबों की दुकान में, बड़ी सी दुकान में हम देखते हैं। और दूसरी कहाँ देखते हैं हम इसे? हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में हम इसे देख सकते हैं कि बहुत सारी किताबें वहां पे होती है, छोटे बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग प्रकार की किताबें वहां पे रखी जाती है और पढ़ी भी जाती है। आपने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, कहानियां, स्टोरीज, है ना? तो इसी तरह की किताबें इस अलमारी में थी, उस अलमारी में भी बहुत सारी किताबें थी। अंत में उसने साहस करके पूछा, साहस यानी हिम्मत, उसे मतलब ऐसा लग रहा था कि पूछूं कि ना पूछूं, क्या कहेगी मौसी, तो इसलिए उसने हिम्मत करके मौसी को पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो वीरू को क्या लगता था? वीरू को लगता था कि ये जो किताबें हैं वो सारी की सारी किताबें सिर्फ बड़ों के लिए हैं। इसलिए उसके मन में जो आया उसने पूछा, तो क्या पूछा उसने मौसी से? क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो हम लोग छोटे हैं, तो छोटे बच्चों के लिए भी क्या कोई किताबें हैं पढ़ने योग्य, जिसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं? तो कुछ बच्चों को कहानियां पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, चित्रों वाली कहानियां हो तो और भी अच्छा। तो इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास ये किताबें जो है वो छोटे बच्चों के लिए भी है? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो। उसने क्या जवाब दिया? हाँ, मेरे पास छोटे बच्चों के लिए भी पढ़ने के लिए किताबें हैं। यह वाला खाना और यह वाला। तो मौसी ने कहा होगा, यह वाला खाना और यह वाला खाना, दो उसमें जो भाग है उसने बताया, यह वाला खाना और यह वाला खाना, लेकिन इसमें छोटे बच्चों की किताबें हैं। ये मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ये किताबें छोटे बच्चों के लिए है। वीरू ने हैरानी से कहा, वो फिर परेशान हो गई इतनी सारी किताबें देखकर, और उसने कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, ढेर यानी बहुत सारी, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। वीरू ने कहा कि मेरे पास इतनी किताबें नहीं है, कैसे होगी, वह तो छोटी है और हमारे पास कौन कौन सी किताबें रहती है? हमारे स्कूल की किताबें रहती है ना, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, ये सारी किताबें हमारे पास रहती है। इसलिए वीरू ने कहा, इतनी बहुत सारी तो किताबें मेरे पास नहीं है। और तो क्या हुआ, मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। वीरू ने जब कहा कि मेरे पास इतनी किताबें नहीं है,
मौसी ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ किताबें पढ़ने के लिए चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? तो मौसी ने उसकी पसंदीदा किताब कौन सी है वह पूछी। जैसे कि पहले मैंने बताया कि किसी को बहुत सारी परियों की जो कहानियां होती है वो पढ़नी अच्छी लगती है, किसी को साहसी कथा पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को बहुत जो मजेदार कहानियां होती है, मजेदार यानी हंसी मजाक वाली, जैसे कि अकबर बीरबल की कहानी है, तेनाली रामन की कहानियां है, ये कहानियां बहुत ही मजेदार होती है, होशियारी उसमें होती है, तो ऐसी कहानियां पढ़ना भी किसी को अच्छा लगता है। तो इसलिए मौसी ने पूछा कि तुम्हें कौन सी किताब अच्छी लगती है, पढ़ने के लिए कौन सी किताब अच्छी लगती है, तुमने मुझे बताया तो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उसने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, अभी वह छोटी है इसलिए उसे पता नहीं है कि क्या बताऊं मैं मौसी को कि कौन सी किताब मुझे अच्छी लगती है। उसे समझ में उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं, मुझे कौन सी किताब अच्छी लगती है, इसलिए उसने कहा मुझे मालूम नहीं कौन सी किताब अच्छी लगती है। अगर उसने उसे पढ़ने का शौक होता, पढ़ने में दिलचस्पी होती तो वह तुरंत बता देती कि मुझे कहानियां पसंद है, चित्रों वाले किताब पसंद है, लेकिन उसने कहा क्या कि मुझे मालूम नहीं, मतलब मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी किताब पढ़ने के लिए अच्छी लगती है। तो मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई, एक किताब मौसी ने ले ली और वीरू के सामने दे दी और कहा तुम यह किताब पढ़कर देखो। एक किताब दी और उसने वीरू को कहा कि ये किताब तुम पढ़ लो। वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। क्या हुआ? मौसी ने खाने में से एक किताब निकाली और वीरू को दे दी और उसे क्या कहा कि तुम इसे पढ़ना, इस किताब को तुम पढ़ो, रीड करो। तो वीरू पीछे हट गई, किताब को देखते ही वो पीछे हट गई। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि बाप रे, इतनी मोटी किताब, यह तो बहुत मोटी है। किताब को देखते ही वह डर गई। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी, मोटी किताब है इसलिए उसने वह रख दी। वीरू को वह किताब कैसी लगी? मोटी लगी, इसलिए मौसी ने कहा ठीक है मैं दूसरी दे देती हूँ। अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी, उसने कहा अच्छा ठीक है दूसरी ले लो, शायद यह ठीक रहेगी। वीरू बोली यह बहुत बड़ी है। फिर वीरू ने क्या किया, क्या कहा, यह तो बहुत बड़ी है, मेरे बस से भी नहीं आएगी। बस का यानी स्कूल बैग, ये तो मेरे बैग में भी नहीं जा सकती, ये बहुत बड़ी है, मेरे बस से भी नहीं आएगी। पहले वाली किताब उसे कैसी लगी? मोटी लगी, बहुत ही मोटी थी, और ये पुस्तक से बहुत बड़ी लगी। और क्या कहने लगी वीरू? मौसी से कहने लगी ये किताब तो मेरी
लेकिन विदु किताब पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं निकाले रही है, क्योंकि मौसी ने जब भी कोई किताब उसके सामने रखी तब वो उसने अलग अलग तरीके से क्या किया, उसे मना कर दिया। तो बच्चों इस वीडियो में यहाँ तक ही हम यह पाठ पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम देखते हैं कि वीरू को कौन सी किताब पसंद आई। ठीक है बच्चों, तब तक आपको क्या करना है, इस पाठ में आने वाले संयुक्ताक्षर जो है वो आपको लिखने हैं। जोड़े हुए अक्षर कौन कौन से हैं वो आपको लिखने हैं। तब तक के लिए थैंक यू।